120 is equal to minus 4 by 6x raised to power 3. नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और शीट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करो. हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. बेटी एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आपका काम होता है कि जो बड़े नंबर हैं उनको हमने पावर की फॉर्म में लिखना है. जो बड़े नंबर हैं उनकी हमने फैक्टराइजेशन करके उनको ब्रेक करना है, हमारा पहला काम ये होता है. कई बार होता है कि क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है ना, हमें समझ नहीं आता, लगता है कि वो नया क्वेश्चन है, कभी देखा नहीं है, समझ नहीं आती कैसे शुरू करूं. इस चैप्टर में इट इज डेफिनेट कि जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर है, पहला काम आपका है उसको ब्रेक करना. ओके अब 64 है, 64 यू नो, लेट अस मेक अ रफ कॉलम हियर, यू ऑल्सो मेक इट, थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना है आपने. 64 के बारे में सोचो कि उसके कैसे फैक्टर्स बन सकते हैं. अगर तो आपको ऐसे ब्रेक करके लिखना है तो ब्रेक करके लिख सकते हो, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2. अगर आप चाहो तो इसको 2 इंटू 3 रेज टू पावर, सॉरी 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हो. 64 बहुत छोटा सा नंबर है, सबको ओरली करना आता है. अगर ओरली नहीं करना आता, यू कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे भी कर सकते हो. ओके इट इज योर विश, जैसे आपका मन करता है, जैसे आपको इजी लगता है कि आपकी गलती ना हो, यू कैन मेक द फैक्टर्स हियर. ओके यहां पे आपको दिख रहा है कि 8 8 64 होता है, तो हमने किया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3. ठीक है, आपको बहुत अच्छा यहां से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे किया माइनस 64 की जगह वी कैन राइट 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3. एक्स इज इक्वल टू 5. एक्स इज इक्वल टू 5, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड बेटा. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से सोच लिया, इसको क्विकली सोच लिया. 125, जिन बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट है दे आर एबल टू डू 125. मैंने बोला था आपको इसको ओरली याद करना शुरू करो. 5 5 25 25 into 5 is 125. बहुत बार आपका ये वर्ड यूज होगा, 5 तो बहुत बार आएगा आपका. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 बाय एक्स रेज टू पावर 3. हमने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को इकट्ठे चलाना है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास कहाँ पे आंसर जो है वो आने वाला है. यहाँ पे यू कैन राइट 4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3 is equal to minus 4 raised to by x raised to power 3. बहुत अच्छा आपका comparison आ रहा है, जब आप आमने सामने देख रहे हो आपको पता चल रहा है कि this is of minus 4 by 5 raised to power 3 and is equal to minus 4 by x raised to power 3. अब आप negative को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है कि उसकी power odd है, तो वो negative जा नहीं सकता, negative वहीं पे रहेगा. आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू एवरीबडी. किसी को कोई डाउट है पूछने, किसी ने कैसे 4 आया यहाँ पे, हमने 2 से 4 कैसे बना लिया? हैव यू कम टू नो? ओके नाउ दिस इज, नाउ यू कैन गेस वेरी वेल फ्रॉम हेयर. इन दोनों को जब कंपेयर करोगे यू विल कम टू नो एक्स इज इक्वल टू 5. एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है. ओके किसी को कोई डाउट है प्लीज स्टैंड एंड आस्क, एंड समझ के नोट करना है. एक्स की क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है सोचने में, और इसमें एक ही मेथड है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कि हमें दोनों साइड को कंपेयर करना है. दोनों साइड को साइड बाय साइड देखते चलो, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड. जैसे ही आपको लगेगा कि उनका बेस आपस में मिल रहा है, ठीक है, पावर मिल रही है, इसका मतलब आप उनको इक्वेट कर सकते हो, बराबर कर सकते हो कि अभी हमें पता है 4 इज इक्वल टू 4
थ्री इज इक्वल टू थ्री, अब बाकी क्या रह गया, एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू फाइव। पहचान होगी आपको कि दोनों सेम है नंबर्स। हु हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू निकालने वाले, यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। वाई, कोई बताएगा क्यों? डी सेक्शन, थ्री इज आंसर। डी सेक्शन, गुड सीरत, आगे आओ। आई एम गोइंग टू लीव फॉर यू, यू एट एट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो घर पे। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ये सिंपल क्यों लग रहा है, क्या आपको भी सिंपल लग रहा है ये? गुड सीरत, कैन यू टेल मी? आर यू फाइंडिंग इट सिंपल? माइक ऑन करो, सम प्रॉब्लम इज देयर? हाँ जी, वाई वाई इट इज सिंपल? क्योंकि पावर जीरो है। यू कैन सी हर एक नंबर की पावर जीरो है, हर एक नंबर आपके पास वन बनेगा, और वन के बाद आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, प्लीज डू इट योर सेल्फ, इसको मार्क कर लो, यू कैन डू एट होम। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, एट क्वेश्चन, यू कैन राइट द आंसर एंड सॉल्व एट होम। यू कैन लीव द स्पेस इन रजिस्टर, पांच छह लाइन इसकी छोड़ दो, पांच छह भी नहीं जरूरत है, दो तीन लाइनों में हो जाएगा आपका आंसर। आई एम राइटिंग दिस इज थ्री। कई बच्चों ने अभी तक कर भी लिया होगा, अदरवाइज यू कैन ट्राई एट होम। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, इसमें तीन रूल हमारे पास लग रहे हैं। तीन रूल कौन कौन से लग रहे हैं? जी सेक्शन, मन किरत, आगे आके बताओ, तीन रूल कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, नाइन्थ क्वेश्चन में? वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ। पावर्स को पहचानो। ओके, कोई एक बता दो, तीन नहीं बताने तो कोई एक बताओ, कौन सा रूल चल रहा है? तीन बेस वाला चल रहा है, या फिर पावर ऑफ ए पावर चल रहा है, या फिर डिवीजन का चल रहा है, कुछ तो बताओ, वट एवर। हाँ जी, वेरी गुड, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। आवाज नहीं आ रही मेरे को, यू आर स्पीकिंग सो स्लोली, ये माइक ठीक करो। ओके, मैं तब तक किसी और बच्चे को बुलाती हूँ, इसकी थोड़ी सेटिंग करवाओ मैम से, जो भी टीचर है आपकी क्लास में। ई सेक्शन, आई विल कॉल यू अगेन, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, सिट डाउन, थोड़ी सेटिंग हो जाएगी, देन आई विल कॉल यू। ई सेक्शन, अर्नव, मैं एब्सेंट। ओके, कलजिंदर, फास्ट, अब तक देख लिया होगा आपने क्वेश्चन, जल्दी से बता दो कौन से तीन रूल लग रहे हैं इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, अभी देखा नहीं आपने शायद, है ना? ओके, जैस्मीन, ई सेक्शन, कुलजिंदर आप बैठो, आई विल कॉल यू अगेन, कंसंट्रेशन से करो, मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको। जैस्मीन, सेम बेस सेम बेस, वेरी गुड, देन विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, ओके, वेरी गुड, और मैम बेसिस विल मल्टीप्लाई एंड एक्सपोनेंट्स विल एडेड। एक्सपीरियंस विल बी एडेड, व्हाट एल्स, और क्या करोगे? ये तो एक पार्ट हो गया आपका, एडिशन हम सिर्फ तभी करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना? और क्या दिख रहा है आपको? डिवीजन, डिवीजन, उसमें क्या करोगे पावर्स को? सब्ट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, वेरी गुड, सिट डाउन, आपके साथ वो उधर गर्ल वाज रेजिंग अ हैंड,
सेकंड बेंच पे। हाँ जी बेटे बता दो आप और क्या देख रहे हो आप इसमें। उसने बताया, हमें बताया कि बेस इज सेम, वी विल एड, वी विल सब्ट्रैक्ट, व्हाट एल्स? मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेस सेम, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। हाँ, वेरी गुड, मोस्ट मैम वेरी लॉ 2 जो डिवीजन का साइन है, तो फिर पावर्स को माइनस करेंगे। करेंगे, वेरी गुड। और लॉ 3 पावर ऑफ अ पावर, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, तीन पावर, तीन आपके पास लॉ जाएंगे। उसने 1 2 3 करके भी बता दिया बहुत अच्छे से, इसने इसका मतलब रिवाइज किया हुआ है घर पे, उसको पता है कि कौन से नंबर पे कौन सा लॉ है। इज इट, तो आपको सबको दिख रही है, रेज योर हैंड हु कैन सी दीज ऑल थ्री रूल्स। पावर ऑफ अ पावर भी दिख रही है आपको, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रही है, डिविजन भी दिख रही है, बेस सेम है सबका, 5 5 5 तीनों में दिख रहा है। ऑल राइट, हैंड्स डाउन, आई एम राइटिंग द आंसर, ट्राई एट होम, दिस इज आंसर इज 125। राइट द आंसर बेटे, यू हैव टोल्ड मी, यू हैव एक्सप्लेन मी वेल, यू विल बी एबल टू डू एट होम, डू इट एंड फाइंड द आंसर। नहीं निकलेगा, आस्क मी द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेशन दिस ऑन सम सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है, बेस सेम है, 3 3 3 दिख रहा है आपको, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज डू इट। ठीक है, 10th क्वेश्चन का थोड़ा सा लंबा आंसर आएगा, इसको कर लेना अपने आप, ट्राई करना घर पे। ठीक है, यू नो बेस इज सेम एंड इसका आंसर आप बताना मेरे को क्या आ रहा है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और अभी नहीं करना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, डोंट स्टार्ट इट नाउ, स्पेस छोड़ दो इसके, बट हाँ जी, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यस, हाँ जी बेटे, ई सेक्शन, व्हाट इज द डाउट? 58,049 इज आल्सो किसका? मैम 10th। नहीं, आपने बहुत जल्दी में किया है, हाउ डिड यू डू, टेल मी, क्या किया आपने? मैम डिवीजन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर पावर्स ऐड करके कितना आया? 3 raised to power 10। 3 raised to power 10, तो 3 raised to power 10 को मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। योर आंसर इज रॉन्ग, एक बार दोबारा इसको करना, इट इज कमिंग आउट सम बिगर नंबर, आराम से घर पे करना। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपकी यहाँ तक ठीक है, 3 raised to power 10 आएगा ऑफ कोर्स, उसको मल्टीप्लाई ध्यान से करना एंड फाइंड द आंसर। ओके, डोंट डू इट इन हरी, कोई जल्दी नहीं है हमें। ओके, 11th इज ऑल्सो सिंपल, यू कैन टिक मार्क इट, सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई में क्या करते हो आप, ये मेरे को बता दो, उसके बाद तो आप कर ही पाओगे इसको। जी सेक्शन, पवन वीर आ गया, कलजिंदर आई विल कॉल यू अगेन, आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। कलजिंदर आप बताना चाहते हो मेरे को, 11th क्वेश्चन में जैसे हमारे पास सिंपलीफाई पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? कलजिंदर आ गया बेटा, कैन यू टेल मी सिंपलीफाई क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? आंसर नहीं बताना, यू विल बी डूइंग एट होम। मैं एक्सपोनेंट्स आर सेम। ओके देन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सपोनेंट सेम हो वन बेटा, यस बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना? यस, तो क्या आएगा? 10 10 raised to power 5, फाइव और उसके बाद क्या करना है? क्या ये आंसर आ गया हमारे पास? 10 5 आ गया हमारे पास, क्या आगे करना है इसको? 1 lakh हाँ, इसको खोलना पड़ेगा हमें बेटा, आई वांट टू पास दैट ओनली, सिंप्लीफिकेशन का मतलब उसको पावर के फॉर्म में नहीं छोड़ना। वेरी गुड बेटा, गो बैक। 12th क्वेश्चन, लेट अस डू 12th नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। डोंट वरी कि आपको इसका आंसर पता चला है, उसका नहीं पता चला, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू कैन मैच विद ईच अदर ऑल्सो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करके यू कैन मैच द आंसर्स, चाहे स्कूल में करो जब आपको टाइम मिलता है, चाहे घर पे करो, नेक्स्ट डे यू कैन मैच। ओके बेटा,
बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपलीफाई, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 4 इंटू 4, थोड़ा दूर दूर नंबर को लिखा करो सो दैट पावर्स और बेस का आपको पता चले। कई बार ओके पावर को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, डोंट जी डू दैट, पावर इज ऑलवेज ऑन द राइट कॉर्नर। 3 into 32, डोंट टेल मी आंसर हु हैव फाउंड, एवरीबॉडी हैज टू ट्राई। सबसे पहला हमारा काम है बड़े नंबर को ब्रेक करना। जो भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है उसको पावर की फॉर्म में लिखो। फर्स्ट थिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन, 32 = 4 raised to power 4. कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो और आगे करो। वी आर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बिगर नंबर्स। हमें 4 पे एक बड़ा नंबर दिख रहा है, हमें पता है कि वी कैन ब्रेक 4 आल्सो, वी कैन राइट इट एज 2 raised to power 2। बाद में वो किसी से मैच करेगा या नहीं करेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहला काम है हमारा उसको पावर की फॉर्म में लिखना, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना। वो लिख लिया तो आपका 50% काम हो गया, आपका काफी आधा क्वेश्चन आपका डन हो गया इन अ करेक्ट वे। 3 into 32, याद रख लो 32 = 2 raised to power 5। हाउ विल यू कम टू नो, कई बच्चे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, कई बच्चे इसको 32 को करेंगे। 8 4 जा, ठीक है, फिर इसको आप पावर की फॉर्म में लिखोगे, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 2 = 2 raised to power 5। जैसे आपको इजी लगता है वो प्रोसेस फॉलो करो, जिसको जो जैसे इजी लगता है वैसे करो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसको और उसकी पावर बनाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे टेबल पता है मेरे को किसके टेबल में 32 आता है, तो धीरे 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 उसको ब्रेक करके लास्ट एक प्राइम नंबर पे उसको छोड़ दो। ठीक है, फुल कॉन्सेंट्रेशन से करो, वेरी गुड, कीप डूइंग, डोंट लुक हियर एंड देयर। मेरा बोर्ड पे आपने बाद में देखना है, सबसे पहला काम है बड़े नंबर को ब्रेक करना। हो गया सबका, दिस इज डन, दिस स्टेप इज डन फॉर एवरीवन हु हैव डन टिल हियर, Who have understood? Very good. This is most important step. Very, very important step. उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। छोटे छोटे नंबर आपके पास आ चुके हैं, जिनके बेसिस मिल रहे हैं उनको कंबाइन कर दो। 3 का मतलब 3 raised to power 1, इसको लिख लिया करो ताकि हमारी पावर मिस ना हो जाए। ओनली 3 means 3 raised to power 1। यू कैन मेंशन इट हियर, यू हैव टू, 2 raised to power 3 plus 2 इंटू 3 raised to power 4 minus 1 अपॉन 2 raised to power 5। कई बार कई बच्चे एट ए टाइम सब कुछ कर लेते हैं प्लस माइनस, और कई बच्चे स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि चलो पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं बाद में नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली यू विल रीच एट द सेम आंसर, डोंट वरी, इट इज 5। नीचे से हमारा -5 आ गया क्योंकि नीचे वाला जो बेस था उसकी पावर माइनस हो जाएगी इंटू 3 raised to power 3। डू इट योर सेल्फ, अपने आप स्टेप करो एक दो और फिर मैच करो बोर्ड से। आपको समझ आ चुकी है, डू इट योर सेल्फ एंड मैच इट, आई एम गिविंग यू टाइम, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा कि यस आई हैव अंडरस्टूड, मैंने ठीक किया। एनी डाउट इन एनी स्टेप? जब सेम बेस के नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हमने पावर्स को ऐड किया, सेम बेस के नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने पावर्स को माइनस किया। रूल 1 एंड रूल 2,
You have already applied. Now do it further. 2 raised to power 0 into 3 raised to power 3. हमने इसको सिंपलीफाई करना था, राइट? 27 27. 1 into 27 इज इक्वल टू 27. 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको दिख रहा है उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही आएगा. कई बच्चे उसको 0 लिख देते हैं, इसलिए 1 लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि उसकी पावर 0 थी, हमने उसको 1 लिखा था. एनी डाउट? सच क्वेश्चंस काम फॉर 3 मार्क्स बेटा, नोट इट डाउन. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इतने स्टेप्स करने पड़ते हैं. कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके? एक तो कोई बड़ा नंबर है उसको ब्रेक करना है, आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है, 3 4 नंबर दिए हुए हैं उनको हमने डील करना है, रूल लगाना है, बेसिस सेम बनाने हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टेप, आपको 4 5 स्टेप करने पड़ेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, देन यू विल रीच एट द आंसर. वन प्रॉब्लम विच आई फेस विच आई सी इन अदर चिल्ड्रन, वो भी सुन लो आप, क्योंकि आप में से अगर कोई कर रहा होगा तो उसको अवॉइड करना. लिसन है बेटा, आई हैव सीन कई बच्चे क्या करते हैं इस स्टेप के बाद, ये तो कर लेते हैं कि इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप करते हैं, दे आर इन हरी टू डू, ठीक है? तो थोड़ी सी इसमें लिखने में मिस्टेक हो जाती है, प्लस माइनस में गलती हो जाती है पावर्स की. तो कोशिश करो सारे स्टेप्स लिखो अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं. ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है और आपकी गलती ना हो, छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए राइट डाउन ऑल द स्टेप्स. जो चीज आपको आती होती है उसको लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ओके? इसलिए उसको स्किप मत करो. लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, 13th क्वेश्चन. इट इज सेम एज दिस आई एम डूइंग बिकॉज इसमें ए बी की वैल्यू यूज हो रही है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वेरिएबल को कैसे ट्रीट करना है. वी आर डूइंग 13th आल्सो. राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, बोल बोल के लिखो. 4 raised to power 5 into a raised to power 8 into b raised to power 3 upon 4 raised to power 5 into a raised to power 5 b raised to power 2. सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई मतलब टिल एंड हम करते जाएंगे, जितना जितना हमें पता चलेगा हम करते जाएंगे इसको, ठीक है? पावर की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो सिंप्लीफाई करना है. अब आप 7th में हो गए हो, आपने सिंपल इक्वेशन का चैप्टर किया है, 6th में आपने अलजबरा किया था, आपको पता है कि एक्स वाई जेड ए बी ये सारे मैथमेटिक्स के ही पार्ट हैं. जो जो रूल हमने नंबर्स के लिए लगाए वही सेम रूल हम इनके लिए भी लगाएंगे, वेरिएबल्स के लिए भी. ओके, सो स्टार्ट डूइंग. आपको कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं यहाँ पे दिख रहा मेरे ख्याल से जिसको ब्रेक करने की जरूरत पड़े. वी कैन सी 4, कि 4 को ब्रेक कर सकते हैं, बट 4 एंड 4 दोनों मिल रहे हैं आपस में अप एंड डाउन, तो हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेस सेम है, हमें पता है उसको ट्रीट कर सकते हैं हम डायरेक्टली. ओके, 7th सी सेक्शन जीविका, कैन यू टेल मी फर्स्ट स्टेप हाउ टू स्टार्ट? क्या लिखना चाहिए फर्स्ट स्टेप में, ओरल बताओ. बेस सेम है हाँ जी, बताओ फिर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे. हाँ पावर 5 माइनस 5 एक्सीलेंट, आगे. मल्टीप्लाई 8 पावर 8 माइनस 5 एक्सीलेंट, शाबाश, आगे. b³ माइनस 2 बी पावर 3 माइनस 2, वेरी गुड वेरी गुड. चलो करो आगे, अभी सारे करेंगे. फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया, मेजर चीज आपको पता चल गई, डिनोमिनेटर हैज गॉन, पावर्स को आपने इकट्ठा कर लिया.
जो डिनोमिनेटर में था हमने उनको ऊपर वाले बेसिस के साथ कंबाइन कर दिया। फोर ऊपर भी था नीचे भी था, ऊपर भी है नीचे भी है, बी ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए किसी को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी कॉमन सेंस आपने लगानी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि फोर को ब्रेक करो, टू की पावर में लिखो, यहां पे आपको फोर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फोर हमारे पास दो है, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, दीपेश 7F सेक्शन। हाँ जी बेटे, अगला स्टेप बताओ। मैम यस हाँ जी बेटे, नेक्स्ट स्टेप, रजिस्टर में कोई नहीं किया तो कोई बात नहीं, मेरे को बोर्ड पे बता दो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मैम 4 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर 1 आंसर क्या आना चाहिए वो भी बता दो। 4 ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी A³B, दिस इज द फाइनल आंसर। गुड, यस सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। ए हमारे पास वेरिएबल है तो उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, वी डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई व्हाट इज ए, वी डोंट नो, वी हैव टू राइट a³ × b। मल्टीप्लीकेशन का साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है लास्ट में, ठीक है? चलो वेरी गुड। 14th क्वेश्चन, यू हैव कम टू नो नाउ। 14th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, प्लीज डू इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करना है इसको। रिमेंबर आपका रूल आपने फॉलो करना है, ब्रेक द बिगर नंबर। ब्रेक का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? ब्रेक मींस राइट इन पावर फॉर्म। जो भी आपको बड़े नंबर दिख रहे हैं उनको पावर की फॉर्म में लिखो, और पावर किसकी होगी? प्राइम नंबर्स की, रिमेंबर इट, ठीक है? इसको अपने आप करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो रूल लिखा है यहाँ पे, इट फॉलोज फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सिर्फ इसके लिए नहीं, सबके लिए हमने यही रूल फॉलो किया कि बड़े नंबर को ब्रेक करो। क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव वैल्यू ऑफ एन, ये क्वेश्चन आप भी कर लो। एक्स की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी, थोड़े से ये कॉम्प्लिकेट लगते हैं, होते नहीं है वैसे, प्रैक्टिस से आपको आ जाते हैं। 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं उन दोनों को लेफ्ट और राइट साइड को दोनों को देखते चलो और उनको एक जैसा बनाने की कोशिश करो, ठीक है? रूल आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल आपके पास होना चाहिए 2 रेज टू पावर 2 n। आपको पता है कि आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, पावर ऑफ अ पावर, थर्ड रूल, एन विल बी 6 सेम हियर, यस, 4 3 12। वी आर डूइंग लुकिंग लेफ्ट साइड राइट साइड केयरफुली, वी हैव कम टू नो कि पावर्स को वी कैन इक्वेट, बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होंगी, सो एन विल बी इक्वल टू 6। एन 2n = 12, एन विल बी इक्वल टू, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, राइट? दिस विल बी 2, दिस विल बी 6।
किन बच्चों ने अपने आप किया, रेज योर हैंड, वेरी गुड, वेलकम टू नो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे वाले, 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें हमारे 2 या 3 स्टेप्स होते हैं करने वाले, ओके, और उससे हमारा आंसर आ जाता है। 16, 16 का मैं क्वेश्चन आपको शुरू करवा देती हूँ, रेस्ट यू कैन डू, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, राइट डाउन, -3/4 रेज टू पावर 5, थोड़ा हैंड थोड़ा सा फास्ट चलाओ बेटा, देख देख के लिख रहे हो आप रजिस्टर से, अपना ये वर्कशीट से क्वेश्चन कॉपी डाउन कर रहे हो, थोड़ा सा फास्ट हैंड चलाओ, इनटू -3/4 रेज टू पावर, जब आप बोल बोल के लिखते हो अपने आप आपका हैंड फास्ट चलता है, डिवाइडेड बाय 9/16 रेज टू पावर 4, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमें रूल फॉलो करना है अपना, सिंप्लीफाई करना है, सामने सामने जो भी हमें सामने दिख रहा है ना, पहले तो उस स्टेप को शुरू करते हैं करने का, मैम -3/4 रेज टू पावर 9, -3/4 रेज टू पावर 9, बेसिस सेम बेटा, प्लीज रिमेम्बर ये आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है, अभी तक जितने भी आपने किया सिंपल नंबर किए हैं आपने, ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं -3/4 -3/4 9 और 16 ब्रेक हो जाएंगे, मैम ब्रेक हो जाएंगे, यस 9 3 रेज टू पावर 2 एंड 4 रेज टू पावर 2, यस वेरी गुड, ओके, आई एम टेलिंग टू दोस चिल्ड्रन जिनको समझ नहीं आ रहा है, एंड दिस इज न्यू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल बेस है आपके पास, जो बेस है उसमें फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली है तो सेम ही दोनों, बेस तो मिल ही रहे हैं दोनों के, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हो चाहे सेम नंबर हो सिंपल नंबर हो, तो हमने उसको अपना लॉ लगाना है, हमने -3/4 रेज टू पावर 5+4 ऐड कर दिया हमने, और यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है उसको हमने ब्रेक कर दिया, 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2, और इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है, 16 यू नो 4 4 16 होता है, यू कैन डू इट, ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप करो, एवरीबडी यू हैव डन सो मच, आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे हमने ट्रीट करना है उनको, ऐड करते जाना है, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 सॉरी 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 8, कैन यू नो दिस वन, 3/4 रेज टू पावर 2, किसको ये स्टेप समझ आ गया, रेज योर हैंड, ये स्टेप किसको समझ आया कि वी हैव डन लाइक दिस, 8 कैसे आया, वेरी गुड वेरी गुड, गो अहेड करो, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, यू हैव बिकम स्मार्टर नाउ, रूल पता चल गया, बेस डिफरेंट था, हमने पावर्स को एक बार लिख दिया, 3/4 की पावर 2 लिखा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया, वेरी गुड, देन यू आर सॉल्विंग इट फॉर द लास्ट स्टेप रह गया आपका, बेस सेम दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहा है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नेगेटिव साइन आपको ट्रबल करेगा, एक के साथ नेगेटिव है और दूसरे के साथ नहीं है, व्हाट वुड यू डू, माइनस का क्या करें, बेस सेम होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक -4 है और एक 4 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, बेस सेम का मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, व्हाट शुड वी डू नाउ, हाउ टू ट्रीट द नेगेटिव साइन, एनीबडी एनी गेसेस, वेरी गुड, कौन बोल रहा है, स्पीक आउट, व्हाट शुड वी डू विद द नेगेटिव साइन, 3/4 बनाने के लिए,
ओके लुक हियर, दिस इज ऑड पावर, नाइन इज ऑड, एवरीबडी कैन सी नाइन इज ऑड. वी कैन राइट इट एज -1 रेज टू पावर 9 आउटसाइड, बाहर निकाल दो उसको. इज इट फाइन नाउ? -1 रेज टू पावर 9 को हमने सेपरेट कर दिया ताकि वो हमें ट्रबल ना करे. वी वॉन्ट टू मेक बेसिस सेम, अपना रूल लगाने के लिए हमने बेस को सेम करना है. अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो क्या करते आप? फिर क्या करना था? मान लो यहाँ पे 8 होता 9 की जगह. फिर Then we will apply law 7. तो खत्म ही हो जाना था, इवन पावर है तो वो -1 का प्लस बन जाना था, तो ये माइनस नेगेटिव साइन चले जाना था, बिकॉज आपको मैंने लिखवाया था रूल में, हमने लॉ में लिखा था बेटे -1 रेज टू पावर इवन पावर इज 1 लिखा था हमने, एंड -1 रेज टू पावर ऑड पावर इज माइनस. ठीक है, जहां जहां ये यूज होगा इसको अप्लाई करना है आपने. नाउ बेसिस आर सेम, यू कैन राइट एज -3/4 रेज टू पावर 9 - 8, अपना रूल अप्लाई करो एंड राइट द आंसर. इट विल बी -3/4 रेज टू पावर -1. इसको ऐसे ही छोड़ दो, नो प्रॉब्लम. आपको नहीं पता कि उसका रेसिप्रोकल करते हैं क्या करते हैं, लेट इट बी लाइक दिस. सेवंथ क्लास में यू कैन लीव टिल हियर. फाइव द पावर इज -1. सॉरी +1, 9 - 8, 3/4 इज टू पावर 1, दैट इज 3/4 ओनली, तो आंसर इज -3/4. यू नो 8th क्लास में ज्यादा ही क्वेश्चंस आपके नेगेटिव पावर वाले आते हैं. ठीक है, अब वो आपके अभी नहीं है वो क्वेश्चंस, तो नॉर्मल आपका पॉजिटिव पावर में 7th में चलेंगे सारे क्वेश्चंस, सो आंसर इज -3/4. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो रूल को साइड पे लिखा करो ताकि आपको याद रहे कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है. प्लस माइनस पावर ऑफ अ पावर यू, वो तो आपको रट चुका हुआ है, यू हैव अप्लाइड इन एवरी क्वेश्चन. ये थोड़ा सा यूनिक रूल है जो कभी कभी आपका यूज होता है, हमेशा नहीं यूज होता, तो इसलिए माइंड से निकल जाता है. यू कैन राइट ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चन कि हमने क्या किया. एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क बेटा इन दिस क्वेश्चन? हैव यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, नहीं तो मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ. दैट्स फाइन, गुड बेटा. 17th क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेट अस डू 17 क्वेश्चन. 17, दिस इज थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. -3/4 रेज टू पावर 4, थैंक गॉड इवन पावर आ गई, अभी हमारा नेगेटिव खत्म हो जाएगा. 4 इज इवन है ना, हम माइनस को खत्म कर सकते हैं इधर ही, नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर देंगे इसको जल्दी से जल्दी. नेगेटिव शुड बी आउट अपॉन 5/3 रेज टू पावर 2 × 9/16. सबसे पहला काम है हमारा बड़े नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना. अब आपको बार 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 करके पता चल गया होगा कि 125 किसकी पावर बनेगी, 27 किसकी पावर बनेगी, 9 किसकी पावर बनेगी, 16 किसकी पावर बनेगी. स्टार्टेड, स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड, यू नो इट हाउ टू डू. मैम 125 इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 3 एंड 27 इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3. डू इट, लेट अदर्स आल्सो डू, वेरी गुड. नेगेटिव को भी खत्म कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में आप, क्योंकि वो इवन पावर है. यू कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर 4, लीव इट, लीव नेगेटिव. डू इट योर सेल्फ एंड मैच फ्रॉम द बोर्ड, कॉपी डाउन नहीं करना यहां से. 5/3 रेज टू पावर 2, प्लीज रिमेम्बर वी आर नॉट ब्रेकिंग 4, क्योंकि हमारे पास 3/4, 3/4 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है,
हम उसको चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे हमें बेस सेम चाहिए। जिनको समझ आ चुकी है, कीप डूइंग, डू द नेक्स्ट पार्ट, अगला स्टेप करते रहो। यूज योर कॉमन सेंस, बेसिस सेम करने हैं हमने ताकि हम रूल अप्लाई कर पाए। स्लोली स्लोली थिंक एंड डू। जिन्होंने यहां तक ठीक कर लिया, इट मीन्स दे नो वॉट टू डू। ऑल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कैन रीच टिल हियर, दे हैव क्लाइम्ब द माउंटेन। यहां तक पहुंचने के बाद कॉपी डाउन नहीं करना, कई बच्चे सिर्फ कॉपी डाउन कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। डू इट योरसेल्फ। मैंने मैचिंग करने के लिए यहां पे लिखा है ताकि आपकी एक दूसरे की नोटबुक ना देखो। बी सेक्शन, जब जोत मैं बेटी, टेल मी नेक्स्ट स्टेप। बेस सब राइट करेंगे। थ्री बाय फोर रेज टू पावर 4 माइनस 2, देन -2, 3 ऊपर है ना, 3 ऊपर है ना, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी। यस, गुड। आगे बताओ। थ्री बाय फोर रेस टू पावर 2, 5/3 रेस टू पावर 1। यस, सिंपलीफाई करना था इसको। वेरी गुड, आगे निकाला है आपने। चल मैम नो मैम अभी कर रहे हैं आगे। मैम करो, वेरी गुड वेरी गुड। 15/16 थोड़ा सा आवाज जाके बैठ के करो, थोड़ा फास्ट किया आपने। अभी यू नो यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है आपको, 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 पावर 2 इनटू 5 बाय 3, ठीक है। अभी भी आप पावर्स को डील कर सकते हो। यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 1 है। यू कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 4 रेज टू पावर 2। जब आपके पास क्वेश्चन छोटा बन चुका है तो उसको अभी भी आपके पास दिख रहा है आपको कि बेस सेम है, पर काट आप सकते नहीं इन क्वेश्चंस में। यू कैन नॉट डू इट इन लोएस्ट फॉर्म कि काटा और खत्म हो गया वो। यू हैव टू ट्रीट द पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 की पावर है, यहां भी 3 की पावर है बॉटम पे। दोबारा से रूल लगाओ, एक ही क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन बनता जा रहा है आपका, है ना। वॉट इट शुड बी देन, अभी ध्यान से करना है इसको। हमने इसको सेपरेट किया है, 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2। इज इट फाइन? 5 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 सेपरेट किया इनको, तो 3 रेज टू पावर 2 ऊपर आ गया, 3 रेज टू पावर 1 नीचे था। हमने फिर उसको 2 माइनस 1 किया, रूल लगाया, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 2। नीचे 4 रेज टू पावर 2 अकेला है, डजन मैच विद एनीवन, तो हमने इसको बाद में करेंगे। इट विल बी 3 इंटू 5। कैन यू सी हियर 3 इंटू 5 बाय 4 रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व करो। मैं 15/16
नंबर 16। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम कटिंग करके भी सेम आंसर आया बेटे है। कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करते इस चैप्टर में, प्लीज रिमेम्बर। अगर कटिंग करनी होती तो फिर ये रूल बनते ही ना, प्लीज रिमेम्बर। प्लीज इसको नहीं, ये पता है 8th क्लास में मेरे को स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कटिंग कर सकते हैं या नहीं, तो इट इज नॉट अलाउड इन दिस चैप्टर। एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में आपको पावर्स को ही आपस में घुमाते रहना है, प्लस करो माइनस करो व्हाट एवर यू नो करके उसको पावर के फॉर्म में फिर सॉल्व करना। किस किसने कटिंग करके किया, रेज योर हैंड, एनीबडी हु हैज डन बाय कटिंग। ओके, मेरे को पूछा किसने है, फ्रॉम विच सेक्शन। ओके, नो नो बेटा, यू कांट डू। ओके, आपको पावर्स को रीड करना है, आप बोल रहे हो कि कटिंग करके सेम आएगा, यस यू कैन कट एनीवेयर देन, फिर तो शुरू में ही काट लो आप, काम खत्म हो गया। यू कैन सी काफी कि आपको सिमिलर नंबर दिख रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग दीज रूल्स। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में देखो कितने स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो फिर तो समझो यू आर द विनर्स। जिनको ये क्वेश्चन खुद समझ आया, जिन्होंने अपने आप शुरू किया और जो स्टार तक पहुंच गए, स्टेप तक पहुंच गए, दे आर द इंटेलिजेंट पीपल। प्लीज टेल मी हु हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाइसली। ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। गुड, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन, इसको छोड़ना नहीं है। ये एक दो क्वेश्चन जो लंबे वाले हैं ना बेटा, इनको प्रैक्टिस करते रहो, आपका एक क्वेश्चन इज चैप्टर इज डन। छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपको फिर वैसे ही आ जाएंगे समझ। ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर बेटा, इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना आता है, डेसिमल को ट्रांसफर करना आता है। ओके, एंड बाकी क्वेश्चन ट्राई करना अपने आप, कोई डाउट लगेगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो सी यू बेटा, बाय।